साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड बाय नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर आसनसोल में खुले इस नए वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन और फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने नूरुद्दीन रोड आसनसोल। मोबाइल फर्नीचर कंप्लीट बेडरूम सेट। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर पूजा के सामानों से बाजारें सज गई है। पर्व को लेकर लोगों की उत्साह बाजारों में साफ तौर पर देखी जा रही है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना बाजार की हाल से आपको भी रूबरू करवाया जाए। इसलिए आज हमारे नुमाइंदे ने आसनसोल बाजार का दौरा किया, जहां हमने कारोबारी से उनके कारोबार के आखिर इस त्योहार में इस महापर्व में कैसा चल रहा उनका बाजार और खरीदार से पूजा की खरीदारी के बारे में बात की। पेश है रिपोर्ट। केला का हुई पर तेजी था, बिहार का नवादा का पार्टी लोग था उसमें का हुई तेजी था। केला का वही 500 से 600 का ही था, 400-300 वही मिल रहा था। तब बाजार ठीक है, 14 गाड़ी केला हम बेचा इस बार छठ में। तो बाजार में केला अवेलेबल है? अवेलेबल है, हाँ मिलेगा, सबको मिलेगा। अब अभी भी केला आया, एक गाड़ी अभी भी आया है केला। मेरा नाम रिजवान खान हुआ। बाजार इस बार मोटा मोटी है, बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है ना तेजी है, मीडियम है। सेब का पोजीशन जिस तरीका से है 50 से 60 रुपया का गद्दी का बिक्री हुआ है, यही पोजीशन है। केला में थोड़ा बहुत तेजी आया है, संतरा भी सही बाजार एकदम चल रहा है कोई इसमें, और शरीफा में भी मोटा मोटी सभी चीज़ में फल में आवाज भरपूर है आसनसोल में, और किसी चीज़ का भी कमी नहीं है, समझे। हर चीज़ अवेलेबल है। सेब का पोजीशन 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक बिका गद्दी में। संतरा का भी यही पोजीशन है, 50-60-70 तक का पोजीशन किया है, यही पोजीशन है। केला 400 से लेकर 600 तक का पोजीशन, केला में कुछ उछाल है, यही सब चल रहा है। देखिए
आसनसोल बाजार तो कुछ उछाल नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ बाहर का कस्टमर नहीं आ पाया है, यहाँ पर लोकल ही कस्टमर से जो कुछ दुकानदारी होता है, समझे। जो बाहर का जब कस्टमर आता थोड़ा उछाल होता, होने पाया क्योंकि हम लोग का मंडी बाहर नहीं जा पाया। अगर बाहर गया होता तो कुछ बाहर का खरीदार आता तो बाजार में थोड़ा सा उछाल दिखता, मगर ऐसा कुछ नहीं दिखा। 12 गाड़ी अल्ताफ भाई संतरा मंगा के क्लियर कर दिए हैं, अल्ताफ भाई से मिलिए। 12 गाड़ी संतरा भरपूर आसनसोल में संतरा को पूरा करने वाले यही शख्स है जो 12 गाड़ी संतरा अब तक बेच चुके हैं। और अभी अभी हमारा नाम लड्डू हुआ, आसनसोल फ्रूट मार्चेंट एसोसिएशन के तरफ से हम लोग मेंबर है, समझे। बिक्री अच्छा ही है, जैसा चलना चाहिए सबसे ठीक ही चल रहा है। भीड़ कैसा आज? भीड़ अच्छा ही भीड़ है, भीड़ कम नहीं है और सब चीज का बिक्री अच्छा है। क्या क्या चीज में दाम कैसा है? देखिए नींबू हम लोग 30 रुपए बेच रहे हैं, नारियल 25, 20, 30 भी बेच रहे हैं। और सब फल का दाम पिछले साल से? फल का दाम पिछले साल रेट ठीक ही है, पैसे कोई ज्यादा तो कुछ दाम नहीं, कल केला का भाव थोड़ा ज्यादा है। पुलिस की व्यवस्था कैसा है? क्या जी? पुलिस की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को हम पब्लिक को तो व्यवस्था सही, रास्ता पूरा क्लियर ही हो रहा है, कस्टमर को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार चौरसिया, मैं हर साल यहीं लगाता हूँ। दाम तो ठीक ही है, फिर भी थोड़ा सा हाई है दाम अभी। भीड़ कितना है? भीड़ तो बहुत, सारा फल पाया जा रहा है? हाँ सब फल। पिछले साल से कैसे था? पिछले साल ही जैसा है, जैसे पिछले साल था इस साल भी उसी तरह का भीड़ है। पुलिस की व्यवस्था वगैरह? हाँ नॉर्मल ही है, वैसा तो नहीं है कोई खास। ट्रैफिक में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं नहीं उतना दिक्कत नहीं, इतना तो भीड़ है तो होना ही चाहिए। खरीदारी तो बढ़िया हुआ, सब कुछ तो हो ही गया, अच्छा इस साल भीड़ है, बाजार भी बढ़िया है छठ पूजा का, पूरा बाजार के दुकानदार लोग पूरा खुशी है, बम बम है। छठ पूजा सूखा अच्छा मौसम हुआ है, कल का आदमी भीड़ तो ऐसा धक्का खाने पड़ रहा है, जहाँ जा रहे धक्का खा रहे, इतना भीड़ है बाजार में। कल का मौसम पहले ज्यादा है, हर कुछ ज्यादा है। पुलिस व्यवस्था कैसा है? पुलिस व्यवस्था भी ठीक ही, सब बढ़िया ही है। ट्रैफिक भी ठीक, अपना जगह पर सब सही है। आपका नाम बोलो। सुरेश। आसनसोल रामसायर मैदान में विद्रोही संघा के जरिए तैयार की जाने वाली मां काली की प्रतिमा पूरे जिले में अहमियत रखती है, साथ ही यहाँ का मेला भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। Thank you.
से विशेष सूचना पहला ही जाना प्रवेश आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करे, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। दांत में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज, ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड रेल पार, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लासी फर्नीचर। मोबाइल फर्नीचर, कंप्लीट बेडरूम सेट यानी कि डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल विद सिटिंग, पाए सिर्फ 66,000 रुपए में। इसके अलावा सोफा, डाइनिंग टेबल और मैट्रेस भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। वी आर फर्स्ट एंड ओनली ऑथराइज्ड डीलर ऑफ स्प्रिंग फिट मैट्रेस इन आसनसोल। हम इस्तेमाल करते हैं प्रीमियम क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स, जो है मजबूत और देता है आपको लग्जीरियस फील। लाइफ टाइम सर्विस फैसिलिटी, इजी EMI के साथ पाए अन्य सुविधा। इस फेस्टिव सीजन हमारे यहाँ चल रहा है धमाकेदार ऑफर, 40% to 60% तक की पाए छूट। मोबाइल फर्नीचर, थर्ड फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, आसनसोल। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाए। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ ₹100। एड्रेस है चौरंगी मोड, NH19, आसनसोल, चितंजन रोड, आसनसोल। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विथ फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 7133304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। देखिए, इनका इतिहास जो है इसी से आज के दिन में छुपा हुआ नहीं है। हमारे स्वर्गीय उस समय का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब यहाँ पर उद्घाटन समारोह में आए थे पंचायत डैम का, तो उसने
झारखंडी का सम्मान देते हुए बुधनी मेजन जी से उसका शुभारंभ कराने का काम किया। लेकिन ये दुर्भाग्य समझिए और सौभाग्य भी समझिए, एक प्रधानमंत्री जी ने हमारे झारखंड का एक बेटी को देके इसका शुभ उद्घाटन तो जरूर किया, लेकिन उसका फल बेचारी को लगातार लंबे समय से इसका भुगना पड़ा और उसका समाज के लोग इसको बहिष्कार करने का काम किया। ये दर दर ठोकर खाते हुए हमारे दत्ता बाबू ने इसे सम्मानित करने का काम किया, सौभाग्यशाली बनाया और आने वाला समय में बहुत तरह का बातें चला। चलने के बाद अभी हमारे काजल दा भी बताए, हमारे आसनसोल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद गोपाल मुखर्जी ने राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तब इनको ले जाके पूरे कहानी को बताने का काम किया और इनको जाके भेंट कराने का काम किए और करने के बाद उसे जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मानित करने का भी काम किया है। ये सौभाग्य है हमारे झारखंड के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लोगों के लिए। निश्चित रूप से देश हित और राज्य हित में लोगों ने बहुत सारे बलिदानी दिया है, तो इसका भी जो बलिदान इस पंचायत डैम के नाम पर, देश हित के नाम पर इन्होंने दिया है, इसका किसी भी तरीका से आज कोई भी पूरा इसको नहीं कर पाता है। हम लोग भी चाहते हैं झारखंड का बेटी होने के नाते हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इसे सम्मानित करने का काम, माल्यार्पण करने का काम और इसका सहयोग के बारे में आप सबको बताने का भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद। देखो हमारे जमीते जो डैम निर्माण हुए से डैम निर्माण माने केवल हमरा विस्थापित हो ना, हमरा डैमेर जुन्ने देशेर नेशनल उन्नतिर जुन्ने हमरा निजेदेर जमी जायगा समस्त दिए देवार परो आमादेर एखानकार जे मानुषरा ताराओ सहयोग करेछे। तार भितरे प्रथम सहयोग ये जे निर्माणेर समय उद्घाटनेर समय प्रथम निर्माणेर आमादेर ई बुधनी मेजान एवं रावण मुर्मू এই দুই ওয়ার্কার আমাদের পঞ্চায়েতের এ সহযোগী ছিলেন। আজকের দিনে আমরা ঝাড়খণ্ডের মানুষ, ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দারা এবং ঝাড়খণ্ডের এরা সমস্ত লোকরায় আমরা এই দেশের উন্নতির জন্যে আমরা সমস্ত কিছু স্যাক্রিফাইস করে থাকি, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে আমাদের এখনই শুনছিলাম ওনার মেয়ে বলছিলেন আমার ঘরটা কী হবে, আমার কী হবে, ওর কী হবে, সেই সকল ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে করা উচিত। এবং বুধনীকে যে সম্মান, আমি তো বলবো যে কেবল ডিভিসি নয়, পুরো ভারতবর্ষের যে এনার্জি যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে সেখানকার প্রথম ওয়ার্কার তো রাষ্ট্রের এর রাষ্ট্রের একজন মহিলা, সশক্ত মহিলা বলতে পারা যায়, তিনি যে বলিদানি দিলেন তাকে সম্মান রাষ্ট্র থেকেও করা উচিত, আমাদের পার্লিয়ামেন্ট থেকেও করা উচিত। এবং ডিভিসি ছাড়া আরও যে যারা আমাদের এখানকার এই ব্যবস্থাতে নির্মাণে সহযোগ করেছেন তাদেরও সম্মান করা উচিত। এই সম্মানের জন্যে আজকে বুধনী মেজান নিজের লাইফকে যে অশোকবাবু বললেন যে বহিষ্কৃত করেছিল সমাজ, সাঁওতাল সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন, বহিষ্কৃত করার জন্য ওনাকে অনেক দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছিল। এবং আমাদের এই যে দত্ত মহাশয় এনাকে বিবাহিত করে আজ যে সম্মান দিয়েছিলেন সেই জন্য সে দত্ত মহাশয়কেও আমরা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার তরফে সম্মান জানাচ্ছি। এবং ওদের কোনো যদি অসুবিধা হয়ে থাকে, কোনো রকম অসুবিধা, যে মানে আর্থিক হোক কি সমাজের কোনো অবস্থার, যদি তাদের নির্মাণের অবস্থা এবং কোনো খারাপ কোনো অবস্থা হয়ে থাকে, তো ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার অশোক মণ্ডলের নেতৃত্বে আমরা এখানে তাদের দেবার সমস্ত ব্যবস্থা করব। এই বলে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করি। যে পাঞ্চিত প্রজেক্টে যে ড্যাম ওপেনিং করেছিল বুধনী মেজান ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরুর সাথে, সে আজও পাঞ্চিতে আছে এবং বেঁচে আছে। কিন্তু আজকে খুব আমাদের দুঃখের বিষয় যে উনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল। আর ডিভিসি এর আগেও আমি একবার এনারা এসেছিল, রিপোর্টার এসেছিল, তাদের কাছে আমি বলেছিলাম যে বুধনী মেজান আজকে একটি ঝুপড়ির মধ্যে পড়ে আছে, যে মানে তার এত গৌরব আর তার একটা সামান্য একটি ঝুপড়ির মধ্যে পড়ে আছে, তার সেই ঝুপড়িটা কোনো ওর নামে লিখিতভাবে নেই, ওর নামে অ্যালট নেই, কোনো কিছুই নেই। আমি সেদিনও ডিমান্ড করেছিলাম যে বুধনী মেজান নামে একটা মডেল ঘর বানানো হোক, যেটা নাম থাকবে বুধনী মেজান। আর আজকে আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাইছি, পাঞ্চিতে বুধনী মেজানের নামে একটা
বৃদ্ধাশ্রম হওয়া দরকার। আর ফুলবাগানে নেহরু পার্কে রাবণ মাঝি আর বুধুনি মেজার দুজনাকার স্ট্যাচু হওয়া দরকার, এটা আমাদের ইচ্ছা। পাঞ্চিতে তার পরিবারের দুঃখের কথা, মানে যেদিন ড্যাম ওপেনিং করে, যেদিন নেহরুজিকে দিয়ে ড্যাম ওপেনিং করে, সেদিন থেকে তার জীবনে একটা কাল এসে গেল। সে একটা ভালো সমাজের মধ্যে, আদিবাসী সমাজের মধ্যে ছিল এবং তারও মা বাবা সবকিছু নিয়ে বেঁচে ছিল, কিন্তু ওই যে ওপেনিং করার জন্য একে নিয়ে গেল, নিয়ে যাওয়ার পরে যে মালা পরানো হলো এবং মালা পরা হওয়ার পরে নেহরুজি মজাক করে ওই মালাটা ওকে পরিয়ে দিল, আর পরিয়ে দেওয়ার জন্য তাতে কি হলো, আদিবাসী সমাজ তাকে সমাজ থেকে বঞ্চিত করে দিল, এবং বঞ্চিত করে দেওয়ার পরে সে পেটের দায়ে নিজে খেয়ে বাঁচার জন্য এখানে এখানে ছুটে বেড়াতে লাগলো। করতে করতে গিয়ে শাল তোড়ানে কি জানে একটা গ্রামে ওখানে থাকতো, ওখানে শাল কোন রকম নিজে করে খেত, খেয়ে বেঁচে থাকতো। তারপর ওখানে এক সুধীর দত্তর সাথে পরিচয় হয়, পরিচয় হওয়ার পরে সুধীর দত্তর সাথে বিয়ে হয়, বিয়ে হওয়ার পরে সুধীর দত্তের একটা মেয়ে হয়, সে মেয়ে এখনো বেঁচে আছে এবং সেই মেয়ে আজকে ওকে দেখাশোনা করতো, সবকিছুই মানে ওর সবকিছু দায়িত্ব বা দেখাশোনা করতো। তার জন্য বলো, এর পরবর্তী আমি ডিভিসির কাছে বলবো যে মানে এর নামে যে মানে দু তিনটে জিনিস হওয়া দরকার, একটা ওর নামে একটা বুধিনী মেজান মডেল ঘর, বা বুধিনী মেজানের নামে একটা বৃদ্ধা আশ্রম, আর বুধিনী মেজার আর রাবণ মাঝি দুজনাকের স্ট্যাচু নেহরু পার্কে যেন হয়, এটা আমার ইচ্ছা। ফিলহাল খবরে বস এই থাকি, তরহ কি খবরো কে সাথ ফির হোগি আপসে মুলাকাত, দিজিয়ে ইজাজত, আদাব। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है।